हेलो फ्रेंड्स, मैं आफ्ताब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आफ्ताब सिद्दीकी क्लासेस चैनल को। तो आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा पढ़ाऊंगा। मैं इसके दो भाग पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपने मेरे पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो पहले दो भागों को देखिए, बाद में तीसरा भाग देखिए, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति, आइए चलते हैं भाग तीन। देखिए, अगर आपको दिया गया है कि बिंदु, जैसे अगर आपको दिया दो बिंदु दिए गए हैं कि बिंदु यक्स वन कामा वाई वन तथा यक्स टू कामा बाय टू के बीच की दूरी, तो उसका सूत्र क्या होता है? बीच की दूरी d बराबर होता है, डिफाइन डिस्टेंस बराबर अंडर रूट यक्स वन माइनस यक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये दो बिंदु x1 y1 x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी का सूत्र x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अन्यथा कि d बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, चाहे आप जिस तरीके से लिखें, बात एक ही है दोनों तरफ से, ठीक है। ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया क्या होता है फॉर्मूला, कि अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है डी बराबर, ठीक। अब इसी फॉर्मूले से करके हमारे सवाल लगेंगे, ठीक है। तो देखें नंबर एक सवाल कि बिंदु दो कामा तीन और एक कामा दो के बीच की दूरी बताइए, क्या सूत्र होता है? कि डी बराबर अंडर रूट सूत्र लिखने के बाद एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू का होल स्क्वायर। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके बिंदु क्या क्या हो, यक्स वन और बाय वन, यक्स टू बाय टू, मतलब क्या है कि यक्स वन कितना आपका दो, मतलब दो माइनस, अब यक्स टू यहाँ पर है, यक्स टू कितना दिया गया हमें एक इसका स्क्वायर प्लस बाय वन, देखो कहाँ पर है, बाय वन है कितना तीन है, तीन लिख लिया, अब माइनस बाय टू कितना है दो इसका स्क्वायर। तो देखते हैं कि दो से जब एक जाएगा कितना बचेगा एक इसका स्क्वायर, तीन से दो जाएगा कितना बचेगा एक इसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर कितना जाएगा एक, एक का स्क्वायर एक, एक के कितना हो गया अंडर रूट दो, ठीक है। तो हमारे बीच की दूरी कितना आ गई अंडर रूट दो इकाई, इस हिसाब से क्या कर सकते हैं बीच की दूरी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको लिखा होता हूँ, ठीक है मित्रों, ये कौन सा सवाल लिखा हुआ, दूसरा सवाल लिखा हुआ है। अब देखो इसके बीच की दूरी निकाल लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है एक्स वन ये बाय वन, ठीक ये हो गया दूसरा, फिर ये एक्स टू ये बाय टू हो गया है। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है ये लिखा हुआ है सामने, लिख लिया यहाँ पर फिर से कि डी बराबर अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस बाय वन माइनस बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है लिख लिया। अब देखो एक्स वन कितना है यहाँ पर, तो लिख लिया दो माइनस लगा दिया, एक्स टू कितना है यहाँ पर छः वो भी लिख दिया इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या लिखा हुआ है बाय वन कितना है माइनस चार, लिख लिया यहाँ पर माइनस का चार, माइनस ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है हमारा, तो लगा दिया हमने पहले से ही माइनस। अब क्या है बाय टू कितना है माइनस का दो, क्या लगाएंगे एक छोटा ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस तो अंदर लिख लेंगे। मैंने आपको नियम बताए थे पहली वीडियो में कि जब प्लस बाहर हो माइनस अंदर हो तो होता है माइनस, अगर प्लस बाहर हो प्लस अंदर हो तो होता है प्लस, अगर माइनस अंदर हो माइनस बाहर दोनों जगह हो तो होता है प्लस, ठीक है, और माइनस बाहर हो प्लस अंदर हो तो होता है माइनस। इसी फॉर्मूले से यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, अब देखो कि अंडर रूट यहाँ दो में से छः जाएगा जाएगा नहीं तो क्या बचेगा माइनस का बचेगा चार, प्लस देखो माइनस का चार और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा जिसका दो हो जाएगा, सूत्र के हिसाब से स्क्वायर लगा दिया बराबर। देखिए माइनस की कोई संख्या से उसका वर्ग करते हैं तो आप प्लस में हो जाती है, तो चार चौक कितने हो जाएंगे सोलह, यहाँ देखो क्या बचा माइनस दो का स्क्वायर बचा, ये दो बचा, आगे देखो ये कितना हो गया सोलह और माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा दो दूने चार, कितना हो गया अंडर रूट बीस इकाई, ठीक है हमारा आगे अर्थ आ गया अंडर रूट बीस इकाई, ठीक है। अब अगला सवाल देखो, ठीक है तो देखो आज बताऊंगा आपको त्रिभुज का क्षेत्र निकालना, कि कोई भी अगर आपको निर्देशांक दिए गए हैं तो आप त्रिभुज का क्षेत्र कैसे निकालते हैं, कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री हैं तो त्रिभुज का क्षेत्र क्या होगा एक बटा दो एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक बटा दो एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है त्रिभुज के क्षेत्र का, इसको अच्छी तरीके से याद कीजिएगा फॉर्मूला है अच्छा, ठीक है। अगर आपको बिंदु दिए गए हैं दो कामा चार छः कामा आठ
9.1 पूछा गया है कि इन बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल। हम आपको बता चुके हैं कि यार निर्देशांक कैसे होते हैं। x1, y1 लिख लिया, फिर x2, y2 लिख लिया, फिर x3, y3 लिख लिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है देखो, लिख लिया यहाँ पर 1/2 x1 / 2 - 3 प्लस x2 / 3 - 1 प्लस x3 / 1 - 2। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देखो x1 कितना दिया गया है हमें, 2 दिया गया है, यहाँ 2 रख लिया मैंने। y2 कितना दिया गया है, 4 लिख लिया, माइनस लगा लिया। y3 कितना दिया गया है, 1 लिख लिया, ठीक। फिर लिखा हुआ प्लस लिख लिया है x2 कितना दिया गया है, देखो 6 दिया गया है, 6 लिख लिया। y3 है 1 लिख लिया, माइनस का y1 कितना दिया गया है, 4 लिख लिया। प्लस x3 कितना है, 9 लिख लिया। y1 - y2 4, ये सिस्टम पूरा लिख लिया, जितना दिया गया था हमने सब लिख लिया। इसका जो क्या करते हैं कि 1/2 अब यहाँ कितना बचा, 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा, 3 लिख लिया, प्लस 6। जब 1 से 4 जाएगा क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, प्लस 9 * यहाँ क्या बचा, 0, ठीक। अब देखो यहाँ पर 2 + 3 कितने होते हैं, 6 × 3 = 18 माइनस का, और ये किसी का जब संख्या का गुणा 0 में करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये हो गया 0, ठीक। इतना समझ में आ गई होगी आपके यहाँ तक। आप देखो यहाँ पर लगा दे रहे कि बराबर 1/2, यहाँ देखो क्या है, 6 और यहाँ माइनस का 18, मतलब 18 से जब 6 जाएगा कितना जाएगा, माइनस का 12 बचेगा। तो 2 × 1 = 2, 2 × 12 आ गया कितना, माइनस का 6, लेकिन ये आ गया बड़ी आ गया क्षेत्रफल, लेकिन जो क्षेत्रफल होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए हो जाएगा प्लस का, माइनस इन हट जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल आएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा आपका 6 / 1, ठीक है सर। तो इस हिसाब से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।